नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आप सब लोगों ने इस बात के लिए बहुत कमेंट किया था कि सर ईएमआई पर एक वीडियो बनाइए, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि समान मासिक किस्त पर एक वीडियो बनाइए। उदाहरण के लिए अगर हम कोई एक बाइक लोन लेते हैं तो उसकी मंथली किस्त कितनी जमा करनी पड़ेगी और किस प्रकार जमा करनी पड़ती है, या फिर लोन लेने के लिए किसी फाइनेंस कंपनी से हम कंसल्ट करें और फिर वहां से लोन लें तो उसको हम किस तरह से चुकाएं। तो कहने का मतलब कि मासिक किस्त पर आधारित एक वीडियो बनाइए, हम लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आप लोग इसको पूरा देखिएगा और मैं इसको बहुत ही सरल लहजे में एकदम इस तरह से समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि ये मान के चलूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तब भी आप समझ जाएंगे, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तब तो आप इससे भी ऊंचे स्तर से समझ सकते हैं। मैं एकदम निम्न स्तर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा उदाहरण के माध्यम से, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये मैं दो भागों में बांटूंगा। पहले भाग में एक आम नागरिक के लिए जो ये जान सकता है कि किस्त किस प्रकार लगती है, और दूसरे वीडियो में किस्तों का निर्धारण कैसे होता है, कंपनियां किस प्रकार से ब्याज घटाती जाती हैं और मूलधन बढ़ाती जाती हैं और लास्ट में मूलधन जीरो हो जाता है, तो इसका गणना कैसे होता है ये दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, तो आज आप सिर्फ ये समझिए कि किस्त का निर्धारण कैसे होता है। तो कुछ जरूरी चीजें हैं जिसे आपको जानना आवश्यक है, जैसे कि ईएमआई, इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हिंदी में समान मासिक किस्त। आमतौर पर लोग तीन तरह की ही लोन लेने की कोशिश करते हैं, या तो एक वर्षीय, या दो वर्षीय, या तीन वर्षीय, कुछ कंडीशन में पांच वर्ष के लिए भी होता है। तो वो किस तरह से होता है वो सब हम चर्चा करेंगे। पहले एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि आपको एक बाइक खरीदना है और उस बाइक की कीमत है 2 लाख रुपए, कोई भी कंपनी की बाइक हो सकती है। तो आप 2 लाख रुपए की एक बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप 2 लाख रुपए दे दीजिए और बाइक ले लीजिए, दूसरा अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप डाउन पेमेंट दीजिए और उसके बाद जो शेष बचेगा उसको प्रति महीने किस्त बंधा दीजिए और आप 24 महीना, 36 महीना या फिर 12 महीने में किस्त के माध्यम से निपटारा कर दीजिए। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए 2 लाख रुपए की बाइक है, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने 1 लाख रुपया दिया और आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए का लोन हो जाए। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक वर्ष के लिए कराना चाहते हैं लोन, कि 2 वर्ष के लिए, कि 3 या फिर 4 या 5 वर्ष के लिए। तो जितना ही लंबा समय होगा उतना ही ज्यादा आपको ब्याज भरना पड़ेगा। ब्याज का मतलब जो लोन है उससे ज्यादा, जितना ही ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा आपको ब्याज जमा करना पड़ेगा, लेकिन ब्याज की जो परसेंटेज है वो भी कम ज्यादा है। कुछ कंपनियों का ब्याज परसेंट ज्यादा है, कुछ का कम है, यानी कि जिनसे आप फाइनेंस करवाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप HDFC बैंक से करवाते हैं फाइनेंस तो ये 4 वर्ष के लिए करेगा और 14% वार्षिक ब्याज लगेगी, ठीक है। अगर आप SBI से करवाते हैं तो इसका सबसे हाई रेट है 16%, एक वर्ष में 16%, यानी कि 1 लाख रुपए का 16,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा सिर्फ एक ही वर्ष में, और ये 3 वर्ष के लिए ही लोन होगा, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब जब लंबा समय होगा तो लंबे समय में ब्याज ज्यादा आएगा, इसलिए प्रति वर्ष की जो रेट है वो थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए PNB पंजाब नेशनल बैंक का 10% ही ब्याज रेट है, लेकिन ये 5 वर्ष के लिए लोन करता है, यानी लंबा समय है। तो जितना ही कम समय के लिए लेंगे थोड़ा सा ब्याज रेट बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप SBI से 3 वर्ष के लिए करते हैं तो 16% लगता है, और इंडसइंड बैंक से करते हैं तो 3 वर्ष के लिए 12% लगता है, बजाज ऑटो फाइनेंस से 3 वर्ष के लिए 11% के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो ये खैर इससे ज्यादा मतलब नहीं है, वो तो आप जहां बाइक खरीदेंगे वो लोग खुद कौन कौन सी कंपनी उनसे टच में है उनके हिसाब से फाइनेंस होगा। तो आपको समझाते हैं किस तरह से किस्तों का निर्धारण होता है और किस तरह से आपको जमा किस्त करनी पड़ेगी। मान लीजिए 2 लाख रुपए की बाइक है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 लाख रुपए की बाइक है, आपने इसमें से
1,00,000 रुपए जमा कर दिया और आपने लोन किया 1,00,000 रुपए का, यानी ये 1,00,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा, बल्कि इससे ज्यादा। और जो ब्याज का रेट है, ब्याज रेट, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं या ब्याज दर बोलते हैं, इसको मैं मान के चलता हूं कि 12% वार्षिक है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी, लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपको ये बता रहा हूं कि ब्याज रेट मान लीजिए 12% है। अब 12% वार्षिक है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप समय जो रख रहे हैं जमा करने का, वो आप समय रख रहे हैं 12 माह या 1 वर्ष, बात दोनों एक ही है। 12 माह क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि आपको 12 महीने जमा करना है। अब सबसे पहले आप ये निकालिए कि आपका ब्याज कितना हुआ, यानी 1 वर्ष का आपका ब्याज। तो यहां पर जो ब्याज है वो साधारण ब्याज है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जो ब्याज आपकी बंध गई वो उतना ही अगले महीने भी, उतना ही उसके अगले महीने, या अगर वर्ष वार्षिक है तो अगले वर्ष भी उतना ही। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने मंथली ब्याज रेट लिया, मतलब आपने 1,00,000 रुपए लिया किसी से 2% मासिक ब्याज पर, तो 2,00,000 रुपए, मतलब 1,00,000 रुपए का 2,000 रुपए ब्याज हुआ, तो इस महीने भी 2,000 लगेगा, अगले महीने भी 2,000, उसके अगले महीने, मतलब हमेशा 2,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह का जब ब्याज लगता है तो उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपका भले 2% मंथली लग रहा है, तो इस महीने तो 2,000 रुपए ही हुआ 2% के हिसाब से, लेकिन अगले महीने अब आपका 1,00,000 पुराना वाला और 2,000 ये जुड़ करके 1,02,000 हो जाएगा और 1,02,000 का ब्याज लगेगा। यानी कि जब मूलधन में ब्याज जुड़ करके मिश्रधन पर ब्याज लगे वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहां पर साधारण ब्याज ही लगता है और साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और इसमें 100 का हो जाता है भाग। मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन का मतलब जो आपने कर्ज लिया है वही मूलधन है। तो कितना कर्ज लिया है, 1,00,000 रुपए। दर कितना है, 12% वार्षिक। समय कितना है, 1 वर्ष, और बटे 100, 00 से 00 कट गया, ये आपका आ गया 12,000 रुपए। ये क्या आया, 1 वर्ष का ब्याज। अब मिश्रधन कितना हुआ, मिश्रधन को अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट या मिश्रधन, और मिश्रधन में मूलधन भी जुड़ा होता है और ब्याज भी जुड़ा होता है। तो मूलधन 1,00,000 रुपए है, 12,000 रुपए ब्याज है, पूरा हो गया 1,12,000 रुपए। मतलब आपको 1 वर्ष के बाद जब आप गणना करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो 1,00,000 रुपए का लोन करवाया था, आप मैंने उसमें 12,000 रुपए ज्यादा जमा किया, टोटल 1,12,000 रुपए जमा किया। ये तो हो गई बात, इतना आपने लिया, इतना आपने 1 वर्ष में जमा किया। मंथली ब्याज से भी मतलब नहीं है, मंथली किस्त कितनी लगी, तो इसके लिए मासिक किस्त निकाल लीजिए, बहुत सरल है निकालना। मासिक किस्त, मासिक मतलब महीने की किस्त। तो पूरा जो मिश्रधन आया है 1,12,000 पूरा, उसमें 12 का भाग दे दीजिए, 1,12,000 में 12 का भाग दे दीजिए, तो जो आएगा वो मंथली इनकम हो जाएगी। तो ये आपका आएगा 9,333.33 रुपए, ये आपकी मंथली किस्त है। इतना इतना आप हर महीने जमा करेंगे तो 12 महीने के बाद 1,12,000 रुपए जमा कर चुकेंगे और आपका ये मूलधन और ब्याज दोनों कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके मतलब बाइक का लोन पूरी तरह से चुकता हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप 1 वर्ष के लिए ना कराते, आप कराते 24 महीने के लिए,
यानी कि 2 वर्ष के लिए। तो क्या होता, यहां पर जो मैंने 1 लिखा है यहां पर 2 लिख देते, क्योंकि समय 2 वर्ष हो गया, तो 12 दूना 24, तो ब्याज हो जाता 24,000 और 1 लाख मूलधन और 24,000 ब्याज, 1,24,000 हो जाता मिश्र धन। अब आपको मासिक किस्त के लिए 1,24,000 में 24 का भाग करना पड़ता है ना। तो जब 1,24,000 में 24 का भाग करते तो आता आपका 5,166, 5,166.66 रुपए। ये जो किस्त आई वो कितने समय वाली किस्त आई, 24 महीने के लिए, 24 माह वाली किस्त। तो आपने देखा जब 1 वर्ष के लिए कराते हैं तो मतलब किस्त थोड़ी सी ज्यादा लगती है, 2 वर्ष के लिए कराएंगे तो किस्त कम हो जाएगी। किस्त तो जरूर कम हो जाएगी लेकिन समय बढ़ गया है जिसके कारण आपका ब्याज ज्यादा हो गया, डबल हो गया। अगर मान लो आप 3 वर्ष के लिए करते तो जहां मैंने 1 लिखा है और 2 वर्ष के लिए जहां मैंने 2 लिखा था, 3 वर्ष के लिए आप वहां 3 लिख देंगे और फिर इस तरह से 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36,000। और फिर 1,36,000 में 36 का भाग करेंगे तो 3 साल वाली यानी कि 36 महीने वाली किस्त आ जाएगी। तो 36 माह की किस्त क्या हो जाएगी, 1,36,000 में 36 का भाग देंगे तो 3,777.77 रुपए। तो देखिए मैंने आपको तीनों बता दिया, 1 वर्ष के लिए 1 लाख का लोन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लेते हैं तो किस्त लगती है 9,333.33 रुपए हर महीना। 2 वर्ष के लिए कराते हैं तो किस्त का मतलब कम हो गई किस्त 5,166.66 रुपए हो गई, और अगर 3 वर्ष के लिए कराए तो और छोटी किस्त हो गई, और ऐसे ही 5 वर्ष के लिए कराएंगे तो और छोटी किस्त हो जाएगी। तो किस्त तो छोटी होगी, महीने में कम जमा करना पड़ेगा, लेकिन जब आप गणना करेंगे तो चूंकि इतना लंबे समय तक आपने जमा किया है कि आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ब्याज लग गया, इसलिए लोन लेते समय कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम समय के लिए ही हो, भले किस्त ज्यादा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि मासिक किस्त की गणना कैसे होती है। अब मैं आपको अगले वीडियो में ये सिखाऊंगा कि कंपनियां किस्त का निर्धारण कैसे करती हैं। जैसे अभी आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, जरूर उठा होगा, क्या कि ये जो 1,12,000 रुपए 1 वर्ष के लिए आया है, इसमें 12,000 रुपए जो ब्याज है वो तो पूरा 1 साल का है ना। यानी कि अगर किसी से 1,00,000 रुपए ले लूं और उसको 1 साल के बाद डायरेक्ट पूरा का पूरा लौटाऊं तब ना 1,12,000 दूंगा, यहां तो मैं हर महीने कुछ ना कुछ दे रहा हूं तो ब्याज कम लगना चाहिए और कम लगना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, वो ऐसा ही करते हैं, पहले महीने में ब्याज ज्यादा आती है, उसके अगले महीने में उस मूलधन के हिसाब से कम हो जाती है। तो कैसे होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ये सब टोटल कैलकुलेशन करने के बाद निकाला जाता है ना, इसलिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और अगर आप जरूर चाहते हैं कि हाँ उस पर मैं वीडियो बनाऊं कि किस तरह से गणना कंपनियां करती हैं, तो मैं जरूर बनाऊंगा।